प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार आंध्रप्रदेश पलनाडु रे एक जनसभा को संबोधित करिसंती। ए अवसर से एनडीआर लक्ष्य 400 पार स्लोगान को पुणी दोहराइछंती। एनडीआर आंचलिक और राष्ट्रीय विकास को एका संगरे नै आगो को बढ़ुछि बोली पीएम कहिसंती। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। नालगो वन्नलो दाताली एनडीए की वोट वेयाली। यासह मोदी आहुरी कहिसंती लोकसभा निर्वाचन पर एनडीएर सहयोगी संख्या लगातार भाव वृद्धि पाउछि। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू एवं जनसेना पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण आंध्रर विकास और लोकों अधिकार पर सबुबले काम कर आसुछंती। एनडीएर एकमात्र लक्ष्य विकसित भारत पर विकसित आंध्र प्रदेश निर्माण करिबा बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए, विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। पीएम मोदी एठारे कांग्रेस और इंडिमेंटो उपरे जोरदार बर्षि से कहिसंती। एनडीए समस्त को सांगेरे धरी आगो को बढ़ुछि, किंतु कांग्रेस लोकों को व्यवहार करी फोपाड़ी देउछि। आज बाध्य बाध्यकतारे कांग्रेस इंडिमेंटो करिछि, हेले समानक चिंताधारा केबे भी बदलिबनी। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी एलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं? जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश रे बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी मध्य सीट शेयरिंग फाइनल हो तीन दल राज्य एकाठी निर्वाचन लड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।